जी हाँ दोस्तों, अपने प्यारे भारत ने पोर्टेबल न्यूक्लियर मिसाइल बना ही डाला और हमने चीन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर फर्स्ट यूज पॉलिसी को फेल कर दिया है। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। तो चलिए समझते हैं कि ये अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है, कैसे भारत ने चाइना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर फर्स्ट यूज पॉलिसी को फेल करी, कैसे चाइना पाकिस्तान देखते रह गए और भारत ने उनके न्यूक्लियर फर्स्ट यूज पॉलिसी को फेल कर दिया। आखिर ये पोर्टेबल न्यूक्लियर मिसाइल क्या होता है, इससे हमारे न्यूक्लियर इंडस्ट्री को कितना बूस्ट मिलेगा और क्यों हमें अपने डीआरडीओ को थैंक यू बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट नाइट ट्रायल ऑफ न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम ब्लास्टिक मिसाइल बूट्स स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। गाइस, ये भारत के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि भारत ने अब तक जितने भी अग्नि सीरीज के मिसाइल को बनाया है, ये सबसे लाइटेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट मिसाइल है और भारत का कहना है कि हम लोग इसको एक पोर्टेबल न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पर यूज करेंगे। जब हमने इस टेस्ट को कम्प्लीट किया तो जो हमारे पड़ोसी देश है चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों भारत के लिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं मानते हैं। चाइना का कहना है कि हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन भारत के लिए नहीं। जिस देश में हमारी टेरिटरी मौजूद है उस देश में हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं मानते हैं। मतलब अगर चाइना चाहे तो चाइना भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम बरसा सकता है, इसमें उसका नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं लगेगा। और हमारा ये कहना है कि अगर हम पर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो हम उसके रिप्लाई में न्यूक्लियर अटैक करेंगे, अदरवाइज हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करने वाले हैं। लेकिन चाइना ऐसा नहीं बोलता है। चाइना बोलता है हम भारत के ऊपर अपने हिसाब से न्यूक्लियर वेपन को बरसा देंगे जब उसको लगेगा कि हमको वॉर करना है भारत के साथ। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान कोई भी पॉलिसी को नहीं मानता है। पाकिस्तान का कहना है कि हम अपने दुश्मनों का वेट नहीं करने वाले हैं, हमको लगेगा कि हम पर अटैक होने वाला है तो हम अटैक होने से पहले ही न्यूक्लियर बम से उड़ा देंगे अपने दुश्मन को। तो सिंपल भाषा में ये कहना है कि चाइना और पाकिस्तान कभी भी भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, लेकिन भारत का कहना यह है कि जब तक हम पर न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा तब तक हम किसी भी देश पर न्यूक्लियर हमला नहीं करने वाले हैं। अगर किसी ने भी हम पर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम उसका जवाब न्यूक्लियर से देंगे। तो ऐसे केस में हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को तैयार करके रखें और दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं दोनों देश भारत के लिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इसलिए हमें भी तैयार रहना होगा। और यही कह के हमने कई न्यूक्लियर वेपन को तैयार कर लिया है। अगर हम पर सामने से अटैक होता है तो हम डायरेक्ट काउंटर अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर। अभी रिसेंटली हमने मिशन दिव्यास्त्र को बनाया, जिसे अग्नि 5 बोलते हैं। इससे हमें ये फायदा हुआ कि इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। उसमें हम लोगों ने MIRB टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है, जिससे कि हम लोग एक ही बार में अलग अलग लोकेशन पर अटैक कर सकते हैं। और अभी जो हमने अग्नि प्राइम का दूसरा टेस्ट कम्प्लीट किया है, मिनी अग्नि प्राइम ब्लास्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर की होगी। भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट होता है उसे DRDO के साथ मिलकर के किया जाता है, जिसमें भारत के न्यूक्लियर कमांड के ऑफिसर शामिल होते हैं। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड फोर्स भी कहते हैं। इनकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक काल में 4 जनवरी 2003 को किया गया था और कहा गया था कि भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर वेपन होंगे, जो भी न्यूक्लियर का मुद्दा होगा, उसका मैनेजमेंट, उसका अरेंजमेंट, हर चीज का देखरेख यही कमांडो करेंगे। नाउ हमने जो अग्नि प्राइम मिसाइल बनाया है इसकी जो खासियत है उसको जान लेते हैं। गाइस, हमने अपने अग्नि प्राइम मिसाइल में दूसरे मिसाइलों की तरह लिक्विड फ्यूल को यूज नहीं किया है। यहाँ पर हम लोग फ्यूल के रूप में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज कर रहे हैं। इसका फायदा ये हुआ है कि ये मिसाइल अग्नि सीरीज मिसाइल के सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट मिसाइल बन चुकी है। इसका एक और फायदा ये होगा कि क्योंकि ये सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल वाला मिसाइल है, तो इन सारे मिसाइलों में हम फ्यूल को पहले ही भर लेते हैं। अदरवाइज जो लिक्विड मिसाइल होता है उस मिसाइल की जब जरूरत पड़ती है तब उसमें हम फ्यूलिंग करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हम पहले से ही फ्यूल भर के रखेंगे क्योंकि ये सॉलिड के रूप में है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक हम लोग 1000 से 2000 किलोमीटर में अपने दुश्मन को काउंटर करने के लिए जो छोटे मोटे मिसाइल का यूज करते थे अग्नि सीरीज का, यहाँ पर हम इस मिसाइल को इंक्लूड कर देंगे, यानी कि हम छोटे मोटे मिसाइल में भी न्यूक्लियर का यूज करेंगे। नाउ यहाँ पर आपका एक और सवाल होगा कि ये पोर्टेबल न्यूक्लियर मिसाइल क्या होता है। गाइस, ये पोर्टेबल मिसाइल इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोगों ने काइनेस्टर लॉन्च सिस्टम को लगाया है। इस सिस्टम का यूज करने का फायदा ये होता है कि मिसाइल के ऊपर में जो वॉर हेड होता है वो पहले से लगा हुआ होता है, और जब ये पहले से लगा हुआ रहता है ऐसे केस में अगर वॉर होता है तो हमें अलग से वॉर हेड को नहीं लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट मिसाइल को ले जाओ और छोड़ दो, टाइमिंग बचेगा, क्योंकि जब वॉर होगा आपके ऊपर हमला होगा तो आपके पास टाइम बहुत कम होगा। ऐसे केस में आपके पास ऐसे मिसाइल का होना बहुत जरूरी है कि बस माचिस मारो, रॉकेट फायर ला करके आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी को कहते हैं कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम, जिसका यूज हमने अग्नि 5 में भी किया है। ये मिसाइल काफी हल्की है और काफी छोटी है। इसका फायदा ये होगा कि हम लोग इसे रेल से, रोड से, कहीं से भी हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। ट्रेन से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रोड से भी जा सकता है। इसके अलावा इसको हम लोग कहीं से भी फायर कर सकते हैं। तो अगर चाइना और पाकिस्तान हम पर न्यूक्लियर अटैक करते हैं तो हम उसके रिप्लाई में छोटे चाहे बड़े हर मिसाइल में न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक करेंगे। जाते जाते गाइस आपको बता दें कि भारत
सबमरीन बेस न्यूक्लियर सिस्टम पर भी काम कर रहा है और उसमें भी हम लोग K5 और K6 पर काम कर रहे हैं जिसकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर होगी। और इन सारी चीजों की वजह से हमारी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। तो गाइस DRDO की सफलता के लिए एक लाइक तो बनती है। अगर आप अपने DRDO को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।